वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं न्यू रिलीज हुई मूवी श्रीकांत का रिव्यू। आखिर श्रीकांत मूवी कैसी है और क्या आपको देखनी चाहिए, इस वीडियो के जरिए जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजकुमार राव की मूवी श्रीकांत दृष्टिहीन इंडस्ट्रियल श्रीकांत बोला की बायोपिक है, जिसे 10 मई को रिलीज किया गया है। जब घर में बेटा पैदा होता है तो पूरे घर में खुशियां छा जाती है, लेकिन जब बेटा नेत्रहीन होता है तो क्या उसे मार डालना चाहिए। श्रीकांत बोला भले ही जन्म से दृष्टिबाधित थे लेकिन वे पढ़ने में काफी होशियार थे, लेकिन केवल होशियार होने से क्या जिंदगी आसान हो जाती है? बिल्कुल नहीं। और ऊपर से विजुअली चैलेंज हो तो लोग उसे होशियार नहीं बल्कि दया की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। और कुछ इसी तरह की जिंदगी श्रीकांत बोला की भी थी। बड़े होने पर वो साइंस लेना चाहते थे लेकिन दृष्टिहीन होने के कारण उन्हें वहाँ भी प्रॉब्लम्स हुई, इसीलिए उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ही केस ठोक दिया। एक और जा IIT के लिए उन्हें इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा था तो दूसरे और MIT के लिए अमेरिका उसका स्वागत करने को तैयार था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ संघर्षों के साथ बिताई लेकिन उन्होंने खुद को कभी हारने नहीं दिया। जो परेशानी उन्होंने अपनी लाइफ में उठाई थी, वो चाहते थे कि ऐसा और किसी भी विजुअली चैलेंज लोगों के साथ न हो, इसीलिए उन्होंने बॉलार्ट इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जिसके पहले इन्वेस्टर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम खुद थे। श्रीकांत बोला कि इसी इंस्पिरेशनल स्टोरी पर तुषार हीरानंदी ने ये मूवी बनाई है, जिसमें राजकुमार राव के अलावा ज्योतिका ने उनकी टीचर का रोल प्ले किया है, तो शरद केलकर और अलाया एफ भी मुख्य भूमिका में है। अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीकांत के रोल को राजकुमार राव के अलावा कोई एक्टर इतना बखूबी निभा सकता था। उनकी एक्टिंग ने इस मूवी में जान डाल दी है, तो उनकी टीचर के रोल में देविका की एक्टिंग भी कमाल की थी। पहले ही बड़े मियां और छोटे मियां मूवी में अलाया एफ ने हमें डिसअपॉइंट किया था, लेकिन इस बार उनका काम भी अच्छा था। तो वहीं शरद केलकर ने श्रीकांत के दोस्त और बिजनेस पार्टनर का रोल प्ले किया है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के रोल में जमील खान का काम भी पसंद आया। जब भी बायोपिक मूवी आती है तब उसमें स्ट्रगल सीन्स पर इमोशन कूट कूट कर भर देते हैं, लेकिन इस बार आप इस मूवी में संघर्ष को प्रेरणा के तौर पर देखेंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ संघर्षों के बावजूद एंटरटेनिंग है, कई कई आपको कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ में कहानी खींची हुई लगती है। इसके अलावा एक इंसान की पूरी लाइफ के संघर्ष को 2 घंटे में दिखाने के कारण कई कई सीन में इतने फास्ट बदलाव आते हैं कि आपके मन में भी सवाल उठ सकते हैं। मूवी की एंडिंग को भी फास्ट कर दिया गया है, बचे हुए सारे बिखरे सीन को इकट्ठा करके लास्ट सीन बनाकर मूवी की एंडिंग हो गई। फिर भी जब आप थिएटर से निकलेंगे तब आप मोटिवेट होकर ही निकलेंगे। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का थीम सॉन्ग पापा कहते हैं सॉन्ग काफी अच्छा है और मूवी के सीक्वेंस के हिसाब से जचता भी है। बाकी के गाने हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर ये मूवी इंटरवल तक अच्छी और उसके बाद एवरेज सी है। हमारे समाज में लोगों का मानना है कि दिव्यांग लोग अपनी लाइफ में कुछ असाधारण काम नहीं कर सकते और इसी अवधारणा को ये मूवी बदलती है। ये फिल्म आपको पूरी तरह इंस्पायर करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए आप मोटिवेशनल मूवीज देखना पसंद करते हैं और साथ ही अपनी लाइफ को भी मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। अगर आप बायोपिक मूवीज के शौकीन हैं और राजकुमार राव के फैन हैं तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।